मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आओ सीखे अक्षर पुस्तक से। ये है आपका पुस्तक। इस पुस्तक से हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 15। ये है आपका पृष्ठ संख्या 15। देखो बच्चों, ये आज हम दो अक्षर पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि हमने इसके पहले जितने भी अक्षर पढ़े थे वह थे स्वर। आज से हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो क से ज्ञ तक जो है वह व्यंजन है। तो आज हम दो अक्षर पढ़ेंगे, यानी दो व्यंजन पढ़ेंगे। एक क, दूसरा है ख। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा कौन सा अक्षर है? क। क से कमल। क म ल कमल। क से कमल। क म ल कमल। देखो बच्चों, पुस्तक में क म ल कमल। क से देखो बच्चों, यह है कलश। यह किसका चित्र है? कलश। क से कलश। क ल श कलश। क से कबूतर। बच्चों, यह है कबूतर का चित्र। सभी देखे, ये है कबूतर। कबूतर क्या है? एक चिड़िया है। ठीक है, यह एक पक्षी का नाम है कबूतर। कबूतर, कबूतर। देखो बच्चों, यह कैसा दिखता है? दिख रहा है ना सबको? तो क से कमल, क से कलश, क से कबूतर। तो जैसा कि मैंने बच्चों आपको पहले बताया था कि क से कमल। कमल जो है वह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। पुष्प यानी फूल। तो बच्चों, हमने पहला व्यंजन तो पढ़ लिया, अब पुस्तक के शब्द भी पढ़ लिए। अब पुस्तक से बाहर कुछ अलग शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्या है? ये पेन है ना? पेन को हिंदी में कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम। क ल म कलम। क से कलम। क से कलम। और क्या हो सकता है बच्चों? अच्छा बच्चों, यह किस रंग की ओढ़नी है? यह काली रंग की ओढ़नी है, यानी क से काली। क से काला। देखो, यह कलम भी काली है, तो क से काली। और क्या हो सकता है? सोचो बच्चों, और क्या हो सकता है? अच्छा देखो बच्चों, यह जो यह देख रहे हो, इसे कंगन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंगन, यानी क से कंगन। क से कंगन। तो बाहर के शब्द भी कुछ पढ़ लिए। अब बच्चों, हम हमारा दूसरा व्यंजन पढ़ेंगे। दूसरा व्यंजन क्या है? ख। अभी आप सब पृष्ठ संख्या 16 निकालें। बच्चों, यह दिख रहा है, यह आपका पृष्ठ संख्या 16 है। तो इस अक्षर को ख कहते हैं। क्या कहते हैं? ख, यानी ख से। देखो बच्चों, क्या है यह? खटिया। ख से खटिया। चार पैरों वाला खटिया। ख से खटिया। ख टी या।
खटिया। ख से खरबूजा। ख र बू जा खरबूजा। ख से देखो बच्चों, यह तो आप जानते हो, ये कौन सा जानवर है। ख से खरगोश। ख र गो श खरगोश। तो यानी बच्चों, ख से खटिया, चार पैरों वाला खटिया। बच्चों खटिया लकड़ी की होती है, इसमें हम बैठ भी सकते हैं और सो भी सकते हैं। ख से खटिया। आप चित्र में जैसा कि देख रहे हैं, यह किस प्रकार देखने में होता है। ख से खरबूजा। देखो बच्चों, खरबूजा जो है वह एक प्रकार का फल होता है जिसे खाया जाता है। ख से देखो, यह कौन सा जानवर है। खरगोश, जिसकी बड़ी बड़ी कान है, दांते निकली हुई, खरगोश। तो ख से खरगोश। तो चलिए बच्चों, अब ख की पंक्तियां पढ़ते हैं। देखो बच्चों, सुनो। ख से खरगोश बड़ा ही सुंदर, रहता है सुरंग के अंदर। तो बच्चों, खरगोश बहुत सुंदर होता है और रहता कहाँ है। रहता है वह सुरंग के अंदर, यानी सुरंग मिट्टी में भी हो सकती है और पेड़ में भी। तो खरगोश कहाँ रहता है, सुरंग में। तो और एक बार पढ़ते हैं पंक्ति को। ख से खरगोश बड़ा ही सुंदर, रहता है सुरंग के अंदर। अच्छी लगी ना बच्चों आपको। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया आपका जो पाठ में, आपके जो पुस्तक में शब्द थे वो हमने अभी पढ़े। अब कुछ पुस्तक से बाहर शब्द पढ़ते हैं, क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए। सभी के घर में होता है, सभी के घर में, मेरे भी घर में। यह क्या है बच्चों, यह चित्र देखिए। यह किसका चित्र हो सकता है, यह है खिड़की, है ना। आपके घर में, सभी के घर में होते हैं, यानी ख से खिड़की। ख से खिड़की। खी र की खिड़की। और क्या हो सकता है सोचिए। ख से खत। ख त खत। ख से खत। बच्चों अब हमने बाहर की भी कुछ शब्द पढ़ लिए। अब बच्चों हम क और ख को लिखना सीखेंगे। किस प्रकार लिखा जाता है, बहुत आसान है, आप बहुत अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब लिखा जाए। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दो बिंदु बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं, दो बिंदुओं को जोड़ते हैं, सीधी रेखा से हम बिंदु को जोड़ेंगे। इस प्रकार जोड़ लिया हमने। अब क्या करना है, बिंदु के जो बीच से एक गोल बनाएंगे, एक गोल आकार बना दिया हमने। अब क्या करना है, इस तरफ एक अर्ध गोलाकार बनाना है, मतलब आधा गोल। ये बना, अब ऊपर से एक सीधी रेखा, इस प्रकार एक स्लीपिंग लाइन खींच देनी है। तो बच्चों ये बन गया हमारा क, है ना बच्चों, बहुत आसान। अब बच्चों हम ख किस तरह से लिखते हैं वह सीखेंगे। चलिए बच्चों अब ख को लिखा जाए।
जैसा कि बच्चों हम लोग हमेशा करते आए हैं, सबसे पहले दो बिंदु बनाएंगे इस तरह, फिर इसी के ही बगल में एक बिंदु बनाएंगे, एक और दो बिंदु। बच्चों देखो यह बिंदु जो है ये इसके भी नीचे है इस तरह से। अब बिंदुओं को किस प्रकार जोड़ेंगे देखिए, अर्धगोलाकार में इस प्रकार, पहले बिंदु को दूसरे बिंदु के साथ हमने जोड़ा, फिर इसको घुमाते हुए यूं एक रेखा खींच के ये इस बिंदु तक हम ले गए। अब क्या करना है, ये जो बिंदु है इस बिंदु को इस बिंदु के साथ जोड़ना है। किस प्रकार, एक सीधी रेखा बनाते हुए ये हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने क में किया था एक गोल बनाया था, इस बीच से रेखा यहाँ पर अर्ध गोलाकार बना है, ये बन गया। अब ऊपर से एक स्लीपिंग लाइन खींच देनी है, ये हो गया हमारा ख, है ना बच्चों, बहुत आसान। बच्चों इसी प्रकार आप भी घर में लिखने का प्रयास करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।